हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 विज्ञान, और उसमें चैप्टर चल रहा है 9। और इससे पहले क्लास में हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आंकिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, उनको हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कि फोकस दूरी एफ तथा वक्र त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। तो हमने पढ़ा था थ्योरी में भी कि फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। अक्सर बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं एक नंबर के, उनमें ये ऐसा प्रश्न ये पूछा जाता है। तो हमसे कहा गया कि फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो हमने फोकस दूरी एफ और वक्र त्रिज्या आर में संबंध पढ़ा था कि फोकस दूरी जो होती है वक्र त्रिज्या की आधी होती है। आप इन चार ऑप्शन में से मैं देखना कि कौन सा ऑप्शन ऐसा बन रहा है। तो फोकस दूरी आर, फोकस दूरी एफ बराबर आर बटे टू कहीं नहीं है यहाँ पर। तो यदि हम देखें इस टू का इधर गुना कर दें तो ये टू एफ बराबर आर हो जाएगा यहाँ से। तो टू एफ आर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दो है हमारा, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जब हमने थ्योरी पढ़ी थी इस चैप्टर की, तो हमने वहां भी लिखवाया था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या हो जाएगी? अनंत, यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न चार है हमारा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी हो तो इसकी वक्र त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, हमसे कहा जा रहा है आपके वक्र त्रिज्या पूछी गई है, चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा वक्र त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या के बीच संबंध, फोकस दूरी एफ बराबर होता है वक्र त्रिज्या यानी आर से प्रदर्शित करते हैं बटे दो। तो फोकस दूरी आपका हमें कितनी दी है, क्वेश्चन में 15 दिया है। वक्र त्रिज्या आर हमसे पूछा गया है बटे दो, ऐसे ही रहेगा। अब इस दो का हम क्या करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे इधर। तो 15 गुना 2 बराबर आर, 15 दूनी 30, तो वक्र त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 30 सेमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पांच है हमारा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, इसके सामने 45 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल इससे पहले जो हमारे प्रश्न थे वो एक नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। ये हमारा बड़ा सवाल है जो वर्णनात्मक हमें करना होता है। तो देखिए, हमें दिया है, सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया होता है उसको लिखेंगे। यहां पर हमें दिया है फोकस दूरी यानी एफ दिया है 30 सेमी, 45 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो ये हो गई वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी भी, इसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं। और पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछा गया है, यानी बी हमसे पूछा गया है, और ये दिया है 45 सेमी। और देखिए, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो आपको बतलाया था कि जब भी हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो यहाँ एफ वी यू की हमें चिन्ह देखने होते हैं क्या आएगा। तो हमें सबसे पहले देखना दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, तो माइनस आ जाएगा। अब दर्पण के सूत्र से तो दर्पण का सूत्र था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। एफ का मान हमें दिया है -30, तो एफ के स्थान पर रखेंगे बराबर। वी हमें ज्ञात करके लाना है, ऐसे ही लिखेंगे प्लस। यू का मान दिया है हमें -45,
तो संख्या को संख्या की साइड पक्षांतर कर लाएंगे, ये माइनस अंश को देंगे, यानी एक माइनस एक बटा तीस, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, एक बटा पैंतालीस बराबर वन बटे बी। अब इन्हों को जोड़ना, लैसा ले लीजिएगा या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, तो 45 की गुना करेंगे माइनस एक से तो माइनस के 45, प्लस 30 की गुना करेंगे वन से प्लस के 30 हो जाएगा, बटे नीचे नीचे की गुना करके लिखेंगे बराबर एक बटा बी। प्लस माइनस हो रहे घट जाएंगे, 45 में 30 गया तो माइनस के 15 बटे 30 गुना 45 बराबर बी। 15 से 30 में भाग कर देंगे यानी 15 दूनी 30 तो माइनस एक बटा 45 दूना 90 हो जाएगा एक बटा बी। तो देखिए भाग है इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे यहाँ पर, तो बी का मान आ जाएगा माइनस के 90 आ जाएगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, देखिए अगर बी का मान माइनस आया है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, अगर प्लस आता है तो दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेमी की दूरी पर बनेगा और यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो ये क्या हो गया, हमारे प्रतिबिंब की स्थिति निकाली हमने। अब हमें बतलाना है प्रकृति कैसी होगी इसकी। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम रेखीय आवर्धन ज्ञात करेंगे इसका। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या था, रेखीय आवर्धन m बराबर हमने पढ़ाया था कि h डैश अपॉन h प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और माइनस के b बटा u। तो हम इन में रिलेशन लेंगे यानी m बराबर आ जाएगा माइनस के b बटा u। तो v का मान अभी हमने ज्ञात किया माइनस के 90, एक माइनस ये है, एक माइनस जो हमने v का मान ज्ञात किया, u का मान था हमारा माइनस के 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90 बटे माइनस 45 भाग करेंगे 45 दूना 90 तो माइनस के 2 आ जाएगा m। तो देखिए m का मान माइनस में आया है, तो अतः प्रतिबिंब वास्तविक वह वस्तु से दो गुना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।